आई एम विजय कुमार। मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनको हम सिंपली स्टीरोइड्स भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तीन पार्ट्स में क्लासिफाई है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग जिसका रिजल्ट हम विद इन मिनट्स के अंदर देख सकते हैं, एमरजेंसी के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन आता है इसका, एमरजेंसी जैसे स्टेटस अस्थमेटिकस, अस्थमा का कोई अटैक हुआ है, क्यों इस्तेमाल किया वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इंटरमीडिएट एक्टिंग पे आ जाते हैं, प्रेडनिसोलोन, हफ्ते में एक बार हम इसे यूज़ करते हैं। पहले हम इसको डेली यूज़ करते थे, लेकिन उसकी वजह से हमें स्टीरोइड मायोपैथी होने लगी, मसल की वेस्टिंग होने लगी, जो मसल है उसका मास रिड्यूस होने लगा। इसीलिए फिर इसकी डोज जो है वो वीकली सेट की गई कि इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है। तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग जो महीने में एक बार लेंगे वो पूरी मंथ की है पूरी, लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या लॉन्ग एक्टिंग स्टीरोइड्स। ये स्टीरोइड्स लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं, मैंने आपको बताया एमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं इनका। हाइड्रोकोर्टिसोन मैंने आपको बताया क्यों, वो मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम फिलहाल। प्रेडनिसोलोन जो है वो हम इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ल्यूकीमिया के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं? स्टीरोइड एक टाइप से इम्यूनोसप्रेसिव भी होते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, मतलब बी और टी सेल्स के प्रोलीफरेशन को कम करते हैं। ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास के अंदर जो बी और टी हैं ये एक्सेसिवली प्रोलीफरेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो लो होती है। अब आगे चलते हैं लॉन्ग एक्टिंग के ऊपर। ये इनका इस्तेमाल हम ईचिंग, रैशेज, रेडनेस, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सामिथासोन और बीटामिथासोन, इनके इंजेक्शंस भी आते हैं। इंजेक्शंस यूज़ करने से स्टीरोइड मायोपैथी होती है, जबकि ओरली अगर हम यूज़ कर रहे हैं इनको तो हमें कम स्टीरोइड मायोपैथी देखने को मिलती है, रेयर ही होती है एक टाइप से। एक्शन ऑफ स्टीरोइड्स, ये दिया आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये है हमारी फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मीन्स सेल की मेम्ब्रेन, ये है हमारी सेल, इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है ये, इसके ऊपर रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के। होगा क्या, फॉस्फोलिपिड जब टूटता है तो आर्केडोनिक एसिड बनता है, ये सेल एसिड टूटा और बना आर्केडोनिक एसिड। आर्केडोनिक एसिड दो पाथवेज में जाता है, कॉक्स पाथवे एंड लॉक्स पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोक्सीजनेज पाथवे। ये कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे से बनता है ब्रेडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन, जो कि करेंगे इन्फ्लामेशन एंड पेन, थ्रोम्बोसाइक्लिनेज, थ्रोम्बोजेइन। तो इनका काम है इन्फ्लामेशन और पेन करना। हमने स्टीरोइड लिया, वो लाइपोकोल्टिन में चेंज होगा बॉडी में आते ही, और उसके बाद वो इनहिबिट करेगा फॉस्फोलाइपेज A2 को। इस फॉस्फोलाइपेज A2 का काम है फॉस्फोलिपिड को आर्केडोनिक एसिड में कन्वर्ट करना। अगर आप इनकी कन्वर्जन को यहीं इनहिबिट कर दोगे, आर्केडोनिक एसिड नहीं बनने दोगे, इन्फ्लामेशन और पेन तो फिर सप्रेस ही हो जाएगा। और आपको बता दूँ, ये जो एनसेड्स होते हैं, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये इस कॉक्स पाथवे पे काम करते हैं, ये सिर्फ इस कॉक्स पाथवे को ब्लॉक करेंगे, जबकि लॉक्स उसमें चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं स्टीरोइड और एनसेड्स में से बड़ा कौन है, स्टीरोइड, जो दोनों पाथवे को कैंसिल करेगा, लेकिन जो एनसेड है वो सिर्फ कॉक्स पाथवे को इनहिबिट करेगा, कॉक्स इनहिबिटर है वो। तो स्टीरोइड इसीलिए लाइफ सेविंग ड्रग्स बोले गए हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एडवर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और स्टीरोइड्स, यूजेस मैं आपको अगले ही लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।